गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th का सैंपल पेपर पंजाबी मीडियम च मैं डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स रिवीजन इन इंग्लिश मीडियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर जिहड़ा सानू पिछों आया है 7th क्लास का। सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मैं हुण वो पेपर तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रही हाँ। बेटा एक्चुअली जिहड़े तुसी इंग्लिश मीडियम च जिन्हां ने ऑप्ट कीती है साइंस, इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव और साडी पूरी कोशिश होएगी कि असी तुहाडी हेल्प करिए। सो लेट अस स्टार्ट इन इंग्लिश मीडियम। मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इंग्लिश च बोलांगी, थोड़ी बहुत बायलैंगुअल रहांगी, थोड़ी बहुत पंजाबी भी यूज़ करांगी कि ताकि तुसी कन्फ्यूज ना हो जाओ। तो पहला क्वेश्चन इत्थे जिहड़ा मैं पूछन जा रही हाँ वो है, बेटा मैनू लगता है कि हुण तक तुहानू ये तो सारा कुछ पता लग गया होएगा कि आपां किद्दां पेपर का जिहड़ा क्वेश्चन है पैटर्न की है ना बेटा। 20 नंबर का मतलब तुहाडा जिहड़ा पेपर है और उस तो बाद तुसी की करना है 40 मिनट दे विच पेपर नू करना। सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर जिहड़े 1 नंबर दे, दैट इज़ ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन। टिक द करैक्ट आंसर, टाइम लिमिट हेयर मैं अगेन कह रही हूँ 40 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 20 एंड इट इज़ ऑफ क्लास 7th। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर टू सिंथेसाइज। की बनाता है कि कौन? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस च, वट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग क्लोरोफिल, देन यू कैन से सेल्स ऑफ लीव्स एंड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर टू सिंथेसाइज। की बनाता है? एंड इट मेक कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप यूज़ की, मिनरल एंड एयर नहीं, ऑल ऑफ अबव नहीं। बेसिकली जो साढ़े को फॉर्म होंगे वो की होंगे? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की भी साढ़े को जी सिंपलस्ट फॉर्म होंगी है, दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है बेटा, सो इन दिस वे आई कैन एक्सप्लेन। अगे देखो बेटा, भवनूर सा वाइल डूइंग एक्टिविटी इन द लेबोरेटरी दैट द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। कि जेडे लीव्स है ग्रीन कलर तो इलावा, यू कैन से एनी लीव, उन्हां च भी क्लोरोफिल है। डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो? बेटा देखो, वट इज़ द बेसिक नीड ऑफ द फोटोसिंथेसिस? इज कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर उन्होंने पत्तियां च क्लोरोफिल है तो इहदा मतलब दे मस्ट डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आर आंसर इज येस, yes, photosynthesis also take place in these leaves. So no is the wrong option, yes but little bit is the wrong option, not known is the wrong option. Now which animal quickly swallow the food and store it in a part of a stomach? केड़ा जेड़ा animal है वो अपने food नू swallow कर लेंदा है अते किसे अलग पार्ट च स्टमक दे स्टोर कर लैंदा है? बेटा तो इट इज़ नॉट अमीबा, इट इज़ नॉट स्टारफिश, इट इज़ नॉट फ्रॉग, इट इज काउ। ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ कैनाइन टीथ्स आर इन ह्यूमन बींग्स? बेटा इतने मैं एक गल क्लीयर करना चाहनी हाँ कि जेड़ा एक बेबी हुंदा है 20 उहदे मिल्क टीथ जिन्हों आप कहने है ना दुधिया दंद मिल्क टीथ होंगे है, तो बेटा जिदा जिदा वो अडल्ट कन्वर्ट हों, वी हैव अ 32 वो जोड़े टीथ होंगे जिदे च 16 आप कहने उपर है तो 16 नीचे। ये बेटा 4 कैनाइनस उपर है और 4 कैनाइनस थले, मतलब 4+4 वी हैव अ 8 कैनाइनस इन आर जोड़े टीथ्स है इन अ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉर एक्सचेंज गैसेज। टाइनी पोर्स जेडे आपा लीव्स ते प्रेजेंट हुंदे है उन्हां नू बेटा आपा की कहने, स्टोमेटा, ट्रैकिया, क्लोरोपास ते स्पैरिकल्स। तो तुहानू सब नू पता है कि उन्हां नू आपा स्टोमेटा कहने, जेडे छोटे छोटे पोर्स हुंदे है ऑन द प्लांट्स। ठीक है ना, छोटे बेसिकली इट्स परपज इज टू एक्सचेंज गैसेज। एक्सचेंज गैसेज किदां? कि जेड़ा प्रोसेस हुंदा है फोटोसिंथेसिस उहदे विच सानू की हुंदा है? उहदे विच वी हैव टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी हैव टू गिव ऑक्सीजन। तो उहदे लई जेड़े पोर्स हुंदे है उच एक्सचेंज गैसेस दीआं हुंदीआं, दैट इज़ बेसिकली योर स्टोमेटा। नाउ नैक्सट क्वेश्चन इज यीस्ट, जिहनूं आपां खमीर कहने आ, यीस्ट रिस्पायर एनरोबिकल अनऑक्सीकरण टू प्रोड्यूस वॉटर, अलकोहल, ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड, एंड योर आंसर इज अलकोहल। अलकोहल। Which of the following reproduced by budding?
बडिंग नाल केड़ा जेड़ा है वो रिप्रोड्यूस करता है नाल यानी कि वधदा है तो अमीबा भी नहीं पैरामीशियम भी नहीं एलगी भी नहीं तो इट्स राइट आंसर इज यीस्ट ओके रजनीश व्हेन विजिटेड पॉन्ड पॉन्ड लाइक एक छप्पर टाइप है ना ऑफ हिज विलेज सीन सम स्लिमी ग्रीन पैचेस व्हाट दे आर कॉल्ड बेटा उन्हें ग्रीन कलर दे कुछ पैचेस देखे उन्हें आपां की कहने हैं ना उन्हें आपां यीस्ट कहने हैं ना आपां उन्हें जालम कहने हैं ना आपां उन्हें की कहने हैं एलगी कहने हैं बेटा इत्थे मैं तुहाडा एक गल होर एक्सप्लेन करना चाहवांगी बिकॉज जो आपां फर्स्ट जिहड़े क्वेश्चंस करने हैं ना मतलब वो केड़े केड़े करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बेटा तो जिहड़े आपां क्वेश्चंस करने हैं ना आपां मल्टीपल चॉइस जिहड़े क्वेश्चन है वो उहदे विच आपां फिलअप्स कवर करनियां अपनियां आपां व्हाट हैव वी हैव टू कवर वी हैव टू कवर मैच बिकॉज ये क्वेश्चन है मैच जो है ठीक है ना जिदा कि ईस्ट तुहानूं पता है ईस्ट दा तां आपां उपर भी कीता कि एनारोबिकली अल्कोहल है जिहड़ा जालम है उहदा की है ना मतलब दीज क्वेश्चन आर लाइक कि आपां छड्डने नहीं है जे तुसीं कहो कि आपां जी ये तो ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन आने हैं तो इट इज़ नॉट नसैसरी कि ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन आन मे बी वो तो डिफर क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो इसलिए यू हैव टू डू लर्न होल थिंग्स ठीक है ये नहीं कहना भी जी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है जिदा हम जायलम की गल करा तो वट इज़ द परपज ऑफ जायलम इट ट्रांसपोर्ट जो परपज़ होंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर ठीक है एलगी तो साडा आ गया बिकॉज इट इज़ अ स्लिमी ग्रीन पैच फाइलम का साडा की परपज़ होंगे फाइलम का साडा परपज़ होंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ठीक है ना बेटा तो ये गल्लां तुहानूं ये कित्थों है क्वेश्चन तुहाडे मैचेस तो है अच्छा फिलअप्स की गल की मैच की गल की ट्रू फॉल्स भी तुसीं करने हैं आ सकता तुहाडा एक नंबर च ट्रू फॉल्स भी ठीक है बेटा इदां दे क्वेश्चन है जिहड़े तुहानूं ओह आणगे मतलब एक नंबर दे नाउ नैक्सट क्वेश्चन इज टू मार्क्स से साढ़े को थ्री क्वेश्चन आने एंड इट इज सिक्स वाई डू वी रिस्पायर असी साह किरिया क्यों करते हैं बेटा वाई डू वी रिस्पायर सब तो पहले तो फॉर लिविंग फॉर लिव है ना जिंदा रहन लई दूजी गल मैं इतने कहांगी रेस्पीरेशन का जो प्रोसैस होंगे यानी साह किरिया जो होंगी है तो वट हैपनड बेसिकली ग्लूकोज जोड़ा है ऑफ शूगर दैट यू गैट फ्रॉम द फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन तुसी इत्थे लिख सकते हो इफ यू पीपल हैव अ कन्फ्यूजन एंड दैट ग्लूकोज ऑफ मतलब वन टाइप ऑफ शूगर है इट इज़ अ टाइप ऑफ ए शूगर ठीक है दैट यू गैट फ्रॉम फूड ग्लूकोज जी तुम्हें कितों मिलती है फूड तो मिलती है दैट यू गैट फ्रॉम फूड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी टू प्रोड्यूस एनर्जी ठीक है बेटा ये एनर्जी जी ये ऊर्जा जी है ये डिफरेंट परपसिज लिए बॉडी लिए यूज हो सकती है किदा के परपसिज लिए इट इज फॉर ग्रोथ बॉडी के जड़ा है वो प्रॉपर ग्रोथ लिए रिपेयर लिए मूवमेंट लिए बेटा इतने मैं एक गल करना चाहनी हूँ कई बार असी वर्त रखते हैं ना वी डू फास्टिंग तो अगले दिन सानू वीक फील हों तो दिस इज़ बिकॉज कि उस दिन आप जी ग्लूकोज स्टोर्ड ग्लूकोज में यूज़ कर लें पर आप कोई फूड नहीं खाते जिदे करके साड़ी बॉडी है उच्च एनर्जी थोड़ी घट असी नॉर्मल डेज नालों महसूस करते हैं सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेडे आप करने हैं नाउ वट इज़ द नैक्सट क्वेश्चन वट आर विलिंग ठीक है विलिंग आप की होंगे ने वट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन ये क्वेश्चन जो बुक से मौजूद है पर दो नंबर इतने पूछा गया कि वट आर विली तो इतने है द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उंगली की तरह होंगे फिंगर की तरह द इनर वॉल यू कैन जस्ट राइट आंसर हेयर द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंदर जी है तुहाडी है ना बेटा आई यूज आई एम बायलैंगुअल हेयर बिकॉज कि जे तुहानू इंग्लिश चो नहीं भी क्लीयर टर्म तो पंजाबी च क्लीयर होएगी ठीक है ना तो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन has many finger मैं क्या ना उंगली की तरह होंगी है many finger like outgrowths ठीक है बेटा many finger like outgrowths that is called willy ठीक है जी उन्होंने आप कहने willy
एंड वट इज बेसिकली द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द विली, जेड़ा विली करता है इनक्रीज करती है, की करती है इनक्रीज, है ना, इनक्रीज यूअर वट इनक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द, इनक्रीज द सरफेस एरिया, इनक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन, ऑब्जर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जिहड़ा पचिया भोजन है उहदे लई जिहड़ा सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करती है जिहड़ी विली हुंदी है। बट बेसिकली बेटा ये मैं तुहानूं 3 नंबर दे हिसाब नाल कराता, जे तुसीं 2 मार्क्स लैणे यू जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन एंड यू विल गैट द 2 मार्क्स, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टोमैटा बहुत डिस्कस कर चुकी हाँ वट इज़ स्टोमैटा, बट एक तुसीं इत्थे क्वेश्चन अगर ध्यान नाल देखो तो इत्थे तुहानूं पुछिआ वट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमैटा, तो पहले तो तुसी स्टोमैटा की डेफिनेशन अगर लिखोगे तो दैट इज़ वेरी गुड कि टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद, है ना, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ योर, दिस इज सरफेस ऑफ अ लीव, ठीक है ना। तो बेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव टाइनी पोर्स जेडे हैगे ने, एंड वट आर द बेसिकली फंक्शन, तो पहला फंक्शन आप गल करांगे स्टोमैटा हैल्प इन एक्सचेंजेस, स्टोमैटा हैल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, स्टोमैटा हैल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सेकेंड गल मैं थोड़े ना इतने करांगी ट्रांसपीरेशन च बहुत हैल्प करता है, वाष्प उत्सर्जन आप इनू कहने दैट इज़ इन पंजाबी, ट्रांसपीरेशन च बहुत हैल्प करता है, ठीक है बेटा। ये थोड़े 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, नाउ लेट अस डिस्कस द 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ यूअर दिस पेपर। तुहानू पता है कि 3 मार्क्स के जिहड़े क्वेश्चन आने हैं दैट इज़ ओनली 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वाई डू वी गैट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, कहिंदा कि ग्लूकोज जिदा असीं एकदम पीने तो सानू इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिल जाती है बेटा। तुहानू पता है कि जिहड़ी ग्लूकोज है दैट इज़ द सिंपलैसट फॉर्म, मैं पहले भी दस्या है ग्लूकोज इज़ द सिंपलैसट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज सब तो सिंपल फॉर्म है किदी कार्बोहाइड्रेट की, सिंपलैसट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज इज़ द सिंपलैसट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, एंड ईजली गेट ऑब्जॉर्ब्ड, ईजली गेट्स ऑब्जॉर्ब्ड, बहुत ईजली ऑब्जॉर्ब्ड हो जाती है, ठीक है ना, बाय द, किदा ऑब्जॉर्ब्ड हो जाती है, बाय द ब्लड, ब्लड उन्होंने ऑब्जॉर्ब कर देना, एंड हैंस प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ओके, दिस इज योर द आंसर, तो जिदे करके तुहानू पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। जो तुसी बच्चे दे जानना चाहते हो तो ये होंगे बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ईजली गेट ऑब्जर्व बाय द ब्लड एंड हैंस प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडा 3 नंबर का आया है सैंपल पेपर च, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पैरोफाइट्स एंड यूअर पैरासाइट, बेसिकली स्पैरोट्रॉफ और वी कैन से पैरासाइट्स, तो आप लिख सकते हाँ स्पैरोफाइट्स ते ट्रॉप्स भी कह दो तुसी, इट्स नॉट रोंग, एंड दैन पैरासाइट्स डिफरेंस नोट करो पुत्र जी। फर्स्ट पॉइंट इज देयर स्पैरोफाइट्स इज एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ठीक है, जिहड़ा अपना भोजन है डेड ते डिकेड मैटर तो इन्हां नूं मिलता है, एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर। ते वट अबाउट द पैरासाइट्स, पैरासाइट्स लिव ऑन द बॉडी, यदि बहुत जड़ी एग्जाम्पल है पैरासाइट्स की कि वो ताड़ी बॉडी ते लिव करते होस्ट की, तो उत्तों ही फूड जी गैट करते, यदि लाइसिस बहुत जूँ जिन्हों आप कह दें दैट इज़ एग्जाम्पल बेसिकली स्पैरोफाइट्स की जी है फंजाए, ठीक है ना, फंजाए की एग्जाम्पल लिख लो एग्जाम्पल। और इधर मैं पैरासाइट्स की जो गल करा तो पैरासाइट्स दे लिव ऑन और इन अ host and get its food at the expense of its host, ठीक है बेटा। यदि फॉर एग्जाम्पल आप की करांगे, यदि फॉर एग्जाम्पल होगी राउंड वर्म, ठीक है, लाइस भी तुसी लिख सकते हो दैट इज़ नॉट रोंग लाइसिस, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सैंपल पेपर से जो मैं इंग्लिश मीडियम से डिस्कस किया बिकॉज बच्चों बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नो डाउट कि इट्स टफ, है ना, बट कोई गल नहीं बेटा, 10th तक तो यू मस्ट बी अ मास्टर ऑन इन द इंग्लिश मीडियम,
सो इट्स नॉट टफ टू डू एनीथिंग इन लाइफ इफ एज इम्पॉसिबल इट्सेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल. सो गुड बाय बेटा, टेक केयर.